नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी ट्रेन से नियमित रूप से सफर करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है, या हम यूं कहें कि बड़ी राहत दे दी है। हालांकि रेलवे ने राहत क्या दी है इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि बीते लंबे समय से भारतीय रेलवे बिहार में अपने रेल मार्गों का विस्तार करने का काम शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में अब यात्रियों के लंबे इंतजार का फल मिल गया है। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद ही अब सहरसा और दरभंगा के रूट पर ट्रेन के परिचालन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। रेलवे प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर तैयारियां तेज हैं, जिसके बाद ही ऐसी उम्मीद अब जताई जा रही है कि इस रेल मार्ग में इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन होने वाला है। जानकारों की माने तो रेल यात्रियों के लंबे इंतजार का फल इसी महीने मिल जाएगा और इसी महीने ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक ट्रेन परिचालन की तारीख तो तय नहीं की गई है, लेकिन जानकार यही मान रहे हैं कि जल्द ही परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। रेलवे बोर्ड से ट्रेन परिचालन की तारीख जैसे ही आएगी वैसे ही परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर समस्तीपुर मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने भी हाल ही में इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने ही बताया है कि सहरसा दरभंगा नए रूट पर ट्रेन परिचालन के इसी महीने शुरू होने की संभावना है। ये ट्रेन सहरसा से सुपौल, निर्बली, सिकुरिया, झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगी। साथ ही इस ट्रेन के शुरू होने से कोसी मिथिलांचल क्षेत्र की लाखों की आबादी लाभान्वित होंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से ही अब यात्री कम समय में दरभंगा से सहरसा की यात्रा कर सकेंगे। सबसे ज्यादा फायदा तो यात्रियों को किराए में देखने को मिलेगा। साथ ही भारतीय रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार और दरभंगा सहरसा के बीच में ट्रेन परिचालन होने पर झंझारपुर, सुपौल, सरायगढ़, सकरी, आसनपुर सहित अन्य जगहों पर लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। ये इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन कई जगहों पर रुकने वाली है। सहरसा दरभंगा रूट पर एक्सप्रेस के बजाय इंटरसिटी क्यों चलाई जा रही है इस पर भी कई सवाल उठाए गए, जिस पर ही रेलवे ने यह साफ किया है कि एक्सप्रेसवे को ज्यादा स्टॉपेज पर नहीं रोका जाता है, इसलिए वर्तमान में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में लोखा बाजार को भी इस रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा सकता है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये काम इस साल के जून या जुलाई महीने में फारबिसगंज तक कनेक्टिविटी बहाल करने के साथ ही पूरी की जाएगी। इसके बाद ही सहरसा, सकरी, लोखा बाजार, फारबिसगंज, इस पूरे रेलखंड को बड़ी रेल लाइन के रूप में विकसित कर ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय रेलवे लगातार बिहार में बड़ी रेल लाइनों को विकसित करने का काम कर रहा है। मिथिलांचल से कोसी के यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत इसी कड़ी में दी है। ये पूरी 206 किलोमीटर की रेलखंड है जो बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित हुई है। यकीनन रेलवे के इस फैसले से लाखों की आबादी को फायदा मिलने वाला है। इस रूट के यात्री अब बेहद ही कम समय में और कम खर्च में दरभंगा से सहरसा के बीच का सफर तय कर सकेंगे। बताए गए इलाकों के लोगों के यात्रा के दिन बहुरने वाले हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में रेलवे के इन्हीं फैसलों से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। आपके अनुसार क्या रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को आसान करने के लिए भारतीय रेलवे सराहनीय काम कर रही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।